हाय फ्रेंड्स, हम आपके साथ आज बहुत इजी ट्रिक शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप अपना काजल कैसे सारा दिन स्टे रख सकते हैं ताकि वो फैले नहीं। मेरे सबसे पहले मैंने यहाँ पे कलोसल का काजल लिया। मेरे पास कलोसल का मेबलिन का ही काजल था। आप कोई भी काजल ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर वो सस्ता है या महंगा है। और आप मे भी आप कोई भी होममेड काजल भी ले सकते हैं जो भी आपको आसानी से मिल सके। और सबसे पहले आप अपनी आँख में लगाएंगे वाटर लाइन, देन आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं जिस तरह से भी आपको लगाना चाहते हैं, और आराम से लगाएं। और इसको सील करने के लिए हम ब्लैक आई शेडो का इस्तेमाल करेंगे। और ब्लैक आई शेडो की जगह आप कोई भी डार्क शेडो ले सकते हैं जो भी आप अपनी ड्रेस के साथ मैच करना चाहेंगे। और सबसे पहले चाहिए हमें स्मॉल ब्रश। मेरे पास है मर्फी M213 और यहाँ पे मैंने डार्क ब्लैक आई शेडो लिया है क्योंकि मुझे एक इंटेंस ब्लैक कलर चाहिए था। और मैंने अपनी ब्रश के साथ अपने आई शेडो को पूरे काजल पे, जहाँ जहाँ मैंने काजल लगाया था वहाँ पे लगाया, और उससे मैंने उस काजल को सील कर लिया। इससे क्या होगा, मेरा जो भी काजल है वो फैलेगा नहीं और वो सारा दिन स्टे करेगा। और साथ ही साथ काजल का और भी इंटेंस ब्लैक कलर आएगा जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और बट ध्यान रखें, काजल को आई शेडो से सील करते वक्त ध्यान रखें कि काजल आई शेडो आपकी वाटर लाइन में ना लगे, क्योंकि पाउडर फॉर्म है और वाटर लाइन पे लगने से आँख में इरिटेशन या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई शेडो काजल पर लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। आई होप यू पीपल विल लाइक इट एंड दिस विल वर्क फॉर यू। थैंक यू।